हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे फ्रेंड पेट एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो फ्रेंड, इसमें हम 50 MCQ देखने वाले हैं फ्रेंड, जो कि हम बात करेंगे आज इतिहास हिस्ट्री के बारे में। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, और जो कि 50 MCQ इम्पोर्टेंट MCQ हैं उसके बारे में देखेंगे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। और ये हमारा पेट 2023 का पार्ट 2 रहेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पेट एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड, नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी, झेलम, व्यास, सतलज। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमने पढ़ा कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है रावी फ्रेंड। और सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो इसमें जो है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पथन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा राइट आंसर है लोथन, लोथल बी आंसर जो हमारा है वो राइट आंसर है फ्रेंड। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लोह युग। तो फ्रेंड, इसमें जो हमारा मोहन हड़प्पा सभ्यता की युग थी कांस्य युग। तो हमारा राइट आंसर जो है फ्रेंड ए रहने वाला है, कांस्य युग। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरीय या खानाबदोश? तो इसके हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरीय थे फ्रेंड। आगे बात कर लीजिए 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसमें लोहा जो है इस मेटल का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है फ्रेंड। तो आगे बात कर लिया जाए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से आगे देख लेते फ्रेंड प्राप्त हुआ? बाणवाली, दैमाबाद, राखी गढ़ी, रोपड़। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर है दैमाबाद से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा में पशुपति, विष्णु, वरुण या इंद्र? तो फ्रेंड, पशुपति जो देवता की आकृति चित्रित थी फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए, हड़प्पा में एक अनंत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? लोथल में, धौला बीरा में, आलमगीरपुर में, बंगन में। तो धौला बीरा में पता चलता है फ्रेंड। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, चंदू दड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने, सर आर एल स्टीन ने, आर ई एम व्हीलर ने, JH मैक ने। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, JH मैक ने
ये किया था। आगे 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया जाए फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से, बानावली से, रोपड़ से, लोथल से। तो कालीबंगा से मिला था फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे बात कर लिया जाए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? लकड़ी, बांस, पत्थर, ईंट। तो इसमें राइट आंसर हमारा है ईंट। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड कि 12वें नंबर क्वेश्चन की, गायत्री मंत्र का उल्लेख ने ऋग्वेद की के किस मंत्र में है? ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर हमारा सी, थर्ड में है फ्रेंड। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र कहा गया है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद जो है हमारा ये राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, आज हम टोटली देखेंगे फ्रेंड 50 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम कौन सा सही है? गृह, ब्रह्मचर्य, वनप्रस्थ, संन्यास। वनप्रस्थ संन्यास, ब्रह्मचर्य, वनप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थान। ब्रह्मचर्य, गृह, वनप्रस्थ, संन्यास। और डी है वनप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृह। तो इसमें जो राइट आंसर है फ्रेंड हम देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है पहले फ्रेंड गृहस्थान, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थान। सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थान, वानप्रस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृह। ये आपको बताना है फ्रेंड, इसमें जो है सी आंसर ये सही है। पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, फिर गृह गृहस्थी को देखा जाता है, फिर वानप्रस्थ संन्यास ले लिया जाता है फ्रेंड। ये जो कथन हमारा है सी, वो सही है फ्रेंड। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड 16वें नंबर क्वेश्चन की, तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो वर्ण व्यवस्था जो था व्यवसाय पे निर्भर था फ्रेंड, इस पे आधारित थी। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावला, दूध और इससे उत्पादन, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो दूध और उससे के उत्पादन, उससे बने प्रोडक्ट जो थे वो था वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। आगे बात कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई। तो जौ जो है उसका सबसे पहले यूज़ किया गया ह्यूमन के थ्रू, मनुष्य के थ्रू फ्रेंड। आगे बात कर लिया, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? वैदिक लोगों द्वारा, तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो तांबे का यूज़ सबसे पहले किया गया वैदिक लोगों द्वारा, धातु का प्रयोग। हम हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं फ्रेंड, इतिहास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं 50 MCQ। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा सपोर्ट इसी प्रकार से कीजिएगा फ्रेंड। और 20 नंबर देख लिया जाए फ्रेंड, ऋग्वेद की रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या भरत मुनि? तो ऋग्वेद की रचना जो थे
विश्वामित्र ने किया था। आगे देख लिया जाए फ्रेंड, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों, रोग निवारण व जादू टोना, कर्मकांड, संगीत। तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो रोग निवारण से रिलेटेड है फ्रेंड ये, रोग निवारण से जादू टोना। 22 जो है उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4, 68, 108, 12, 4, 68, 108, 12। तो फ्रेंड जो हमारे उपनिषदों की संख्या है वो है 108। और वहीं हम 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हम सीरियल वाइज नहीं देख रहे हैं, इस पर काफ़ी समय लग रहा है। तो यहाँ पे 26 नंबर जो है इसको देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ। तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, जो है क्वेश्चन हमारा वो है किस लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता? महावीर स्वामी, जथार्थ, महात्मा बुद्ध या कृष्ण। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुद्ध को जाना जाता है फ्रेंड, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। उपनिषदों में को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को किस नाम से और जाना जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण। तो हम वेदांत के नाम से जानते हैं फ्रेंड। वहीं आगे बात कर लिया, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? वो था साम्य, संकल्प, संख्या दर्शन या सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति। तो संख्या दर्शन था फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, आगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। तो सारनाथ हमारा राइट आंसर है फ्रेंड। वहीं 29वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? आनंद, आलार, कलाम, रुद्रक, अजातशत्रु। रुद्रक था फ्रेंड, उनके दूसरे गुरु का जो नाम था रुद्रक था। वहीं गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई फ्रेंड? यहाँ पे वैसाखी अमावस्या, चैत अमावस्या या चैत पूर्णिमा या वैसाखी पूर्णिमा। तो वैसाखी पूर्णिमा के रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन साहित्य को भी कहा जाता है पीटक, आगम, कल्प या सुत। आगम कहा जाता है फ्रेंड, आगम, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, कालाशोक। तो बिंबिसार के शासनकाल में इन्होंने अपना उपदेश दिया। वहीं अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए, सयादवाद किसका सिद्धांत था? सयादवाद वैष्णव धर्म का, भगवत धर्म का या बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का? सयादवाद जो था वो जैन धर्म से रिलेटेड था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ
हुआ था। पावा में, बल्लभवी में या पाटलिपुत्र में या आबू में? तो फ्रेंड ये पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान कौन थी? त्रिशला, खेमा, चंदना, सुजाता। ये चंदना थी फ्रेंड। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था फ्रेंड वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यहाँ पे लिच्छवि, सल्लाल्स, शाक्य, ज्ञात्रिक के गोत्र में हुआ था। केवल वह अस्थि जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है। सती, मास्की का लघु स्तंभ, रूमीन देई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाप्रू स्तंभ में केवल वह सती जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे बात कर लिए जाए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व, 14 पूर्व। तो 14 पूर्व जो हैं इनके ग्रंथ जैन समाज के ग्रंथ कहलाते हैं। वहीं आगे की बात कर लीजिए, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था कुंड ग्राम में, लुम्बिनी में, पावा में, जनभिया ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से मौर्य समाज की राजधानी रही थी तो तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या यह तीनों। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है यह तीनों थी फ्रेंड, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड कि अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिपिबद्ध है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम इसको स्टोल करते हैं, देख लेते हैं। इसमें अशोक ने देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या रोमन लिपि, इसमें से कोई नहीं, ब्राह्मी लिपि में इसका उल्लेखनीय मिलता है फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो निम्नलिखित में से आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? हिंद, नंबर एक ए जो है फ्रेंड, हिंद, यवन, कुषाण, शंख, हिंद, पार्थियन। बी है जो फ्रेंड कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। जो सी नंबर है हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। और डी जो है हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुमार। तो इसमें राइट आंसर हमारा है जो कि हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। ये फ्रेंड राइट आंसर है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसर भूमि। तो इसमें जो सीता से तात्पर्य है फ्रेंड राजकीय भूमि से प्राप्त आय ये है। और आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? गुप्त काल, राजपूत काल, मौर्य काल, चोल काल। तो गुप्त काल जो था ये था स्वर्ण युग भारतीय संस्कृति का। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्र अशोक या चंद्रगुप्त सेकंड या फिर हर्षवर्धन के में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है चंद्रगुप्त सेकंड के में आया था फहान। वहीं आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, तो अशोक के जो शिलालेख, रोक, एडिक्ट्स, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? 1, 100,000 और 10वां।
एक ला और ग्यारहवा, दो रा एवं तेरहवा, दो रा एवं चौदहवा। तो इसमें जो अशोक के जो शिलालेख थे फ्रेंड, वो दो रा व तेरहवा बताते हैं। वहीं आगे की बात कर लिए, गुप्त किसके सामंत थे, सातवाहनों के, कुषाणों के, मौर्य के, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कुषाणों के जो थे, गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। आगे बात कर लीजिए फ्रेंड, आगे फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पे आगे, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, महावंश, दिव्यावादन या त्रहमावृत्त शिलालेख, सातवां स्तंभ अभिलेख। तो फ्रेंड इसमें जो है त्रहमावृत्त शिलालेख है फ्रेंड, ये राइट आंसर है हमारा फ्रेंड। वहीं आगे की बात कर लिया जाए, किस गुप्तकालीन शासन काल को कवि राज कहा गया है, स्वानंद गुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है। आगे बात कर लिया जाए फ्रेंड, यहाँ पे बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक पर प्रांत का गवर्नर था, अशोक का प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें, उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसली। तो जो है उज्जैन, इसका राइट आंसर है हमारा फ्रेंड। आगे बात कर लिया जाए तो फ्रेंड, फहयान और हेनत्संग ने के राज्यों को देखा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन क्रमशः, ए जो है फ्रेंड बी है, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, सी जो है हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, और डी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः। तो इसमें राइट आंसर जो है फयान ने, हेनत्संग ने राज्यों को देखा था, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के को देखा था फ्रेंड, राज्यों को देखा था। तो फ्रेंड ये हमारे 50 MCQ थे जो कि पेट में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है फ्रेंड ये पेट 2023 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा थर्ड नंबर जो थर्ड पार्ट है फ्रेंड, वो भी एक आपको मिल जाएगा फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। हम इसी प्रकार से अपने परमापस चैनल के माध्यम से फार्मेसी और मेडिसिन और साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो इसी प्रकार से लाते रहते हैं फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड।